एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। आज हम जानकारी लेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार के योगों के बारे में। उनमें से सबसे पहले बात करेंगे सर्प योग के बारे में। दोस्तों, जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि, मंगल और सूर्य चौथे, सातवें और दसवें स्थान में होते हैं और शेष ग्रह रिक्त स्थानों में बाकी के स्थान में होते हैं, तो वह सर्पयोग नाम का एक विशेष प्रकार का योग बनाता है। जिस जातक की कुंडली में यह सर्पयोग बनता है, वह जातक निर्धन, दुखी, अन्य की सहाय पर निर्भर करने वाला, ज़्यादातर समय धन के लिए कर्ज लेने वाला और अनेक प्रकार के दुख का सामना करने वाला होता है। आगे जानते हैं दूसरे एक विशिष्ट योग के बारे में। यह योग है गदा योग। दोस्तों, यदि किसी की जन्म कुंडली में दो समीपस्थ केंद्र स्थान यानी कि पहले और चौथे स्थान में या फिर सातवें और दसवें स्थान में सभी ग्रह स्थित होते हैं, तो वह गदा योग नाम का एक विशेष प्रकार का योग बनाता है और इस गदा योग का जातक को जीवन में बहुत ही शुभ फल मिलता है। गदा योग वाला जातक जीवन में सुखी, धनवान, पुलिस के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने वाला बनता है और जीवन में अनेक प्रकार के सुख का उपभोग करता है। गदा योग वाले जातक का भाग्योदय 28 साल की उम्र में हो जाता है। आइए जानते हैं तीसरे विशिष्ट योग के बारे में। यह योग है शकट योग। यदि जन्म कुंडली में सभी ग्रह पहले और सातवें स्थान में होते हैं, तो वह शकट योग नाम का एक योग बनाता है। शकट योग वाला जातक स्वार्थी वृत्ति वाला, अपना काम करवाने में माहिर, रोगी और मूर्ख होता है। किंतु इस योग की एक अच्छी बात यह भी है कि शकट योग वाला जातक बहुत ही अच्छा ड्राइवर बन सकता है, यानी कि शकट योग वाला जातक अच्छा पायलट भी बन सकता है। आइए जानते हैं चौथे विशेष योग के बारे में। यह योग है पक्षी योग। यदि जातक की जन्म कुंडली में चौथे और दसवें स्थान में सभी ग्रह होते हैं, तो वह पक्षी योग नाम का एक योग बनाता है। इस पक्षी योग का बहुत ही अच्छा फल जातक को मिलता है। पक्षी योग वाला जातक अच्छा गुप्तचर, राजदूत बन सकता है। पक्षी योग वाला जातक स्वभाव में थोड़ा डीठ यानी कि जिद्दी होता है और इस योग वाले जातक को जीवन में ज़्यादातर समय दूर दूर के स्थान में, देश में, विदेश में विचरण होता है। आइए जानते हैं और एक विशिष्ट योग के बारे में। इस योग का नाम है श्रृंगाटक योग। यदि किसी जन्म कुंडली में पहले, पांचवे और नौवे स्थान में सभी ग्रह होते हैं और बाकी के स्थान खाली होते हैं, तो वह श्रृंगाटक योग नाम का बहुत ही अच्छा योग बनाता है। श्रृंगाटक योग वाला जातक अच्छा सैनिक, अच्छा योद्धा और वीरतापूर्ण कार्य करने में कुशल और माहिर होता है। यह जातक कला प्रिय होता है और इसे सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। श्रृंगाटक योग वाले जातक का 23 साल की उम्र में भाग्योदय हो जाता है। आइए और एक विशिष्ट हल योग के बारे में जानते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में सभी ग्रह दूसरे, छठे और दसवें स्थान में होते हैं या फिर तीसरे, सातवें और ग्यारहवें स्थान में होते हैं, बाकी के स्थान खाली होते हैं, रिक्त होते हैं, तो वह हल योग नाम का विशेष प्रकार का योग बनाता है। इस हल योग में जन्म लेने वाला जातक दुखी, ज़्यादा भाई बहन से युक्त और दरिद्र होता है। इस योग की खास बात यह है, हल योग में जन्म लेने वाला जातक कृषि विज्ञान में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जिन बच्चों की कुंडली में यह हल योग बन रहा है, उन्हें कृषि के क्षेत्र में अच्छा अभ्यास करना चाहिए।
तो वह निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेगा। आइए बात करते हैं और एक विशेष योग के बारे में। इस योग का नाम है वज्र योग। यदि किसी भी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह पहले और सातवें स्थान में है और पाप ग्रह चौथे और दसवें स्थान में है तो वह वज्र योग नाम का एक योग बनाता है। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि शुभ ग्रह और पाप ग्रह कौन से होते हैं। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु शुक्र शुभ ग्रह के साथ युति करने वाला बुध और शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा, यह सभी शुभ ग्रह कहलाते हैं। इस वज्र योग में जन्म लेने वाला जातक बाल्य अवस्था में सभी प्रकार से सुखी, सुंदर और शूरवीर होता है। वज्र योग वाला जातक पुलिस में या सेना में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकता है और बहुत ही उच्च पद प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ विशेष योगों की जानकारी। आप सबसे प्रार्थना है, यदि किसी की जन्म कुंडली में इनमें से कोई योग बन रहा है तो उसे उसके अनुसार अपना क्षेत्र पसंद करने में मदद करें, वह इसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त करेगा। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें Astrology TV ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें Astrovani चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।